The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. So ek baar phir aapka swagat hai is channel pe. आज हम बात करेंगे आपके हील यानी कि आपके पैरों के पीछे वाले हिस्से में दर्द क्यों होता है, ऐसे में दर्द होता है तो वहाँ क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन कारण क्या है, मोस्ट डेंजरस कारण क्या है और आपको उसके लिए घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्या करा सकते हैं, फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना, एवरीथिंग विल कवर टुडे. सो लेट्स जंप इनटू इट. हील पेन भैया बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा कारण है उसका ओवर यूज. हील का ओवर यूज सबसे इंपॉर्टेंट है. मार्च पास जो करते हैं, मार्च पास समझ में आ रहे कैसे बोल रहे हैं, मार्च पास करने वाले लोग उनका हील पेन होने लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंजरीज, क्रोनिक हील इंजरी. द सेकेंड बिग इंपॉर्टेंट थिंग, अब ऐसे में देखो इंजरी होगी तो सूजन आ सकती है, टेंडरनेस हो सकती है और दूसरी चीज जो होती है वो होती है पुअर फिटिंग शूज, जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग फैसिलिटी टाइप कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई सपोर्ट अच्छे से नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, वट एवर इट इज, पुअर सपोर्टिंग शूज अगर आप पहन रहे हैं या आप हार्ड सरफेस पे कंक्रीट पे दौड़ रहे हैं और दौड़ते समय आपका जो बाउंसिंग एक्शन है वो सही नहीं है, ज़्यादा डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं गलत तरीके से, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, या आपके जो काफ मसल्स हैं, जैसे आपके काफ मसल्स ज़्यादा टाइट होते हैं तो वो एक्लीस टेंडन होता है, वे सारे कारणों से दर्द हो सकता है आपके हील में. इसके अलावा देयर कैन बी अंदर की तरफ थोड़ा सा टर्न हो सकता है आपका हील, स्ट्रेट होने की जगह थोड़ा सा टर्न हो सकता है, इस वजह से भी बार 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 दर्द हो सकता है बिकॉज वो फुट का जो जो उसका जो बैलेंस है वो टेढ़ा हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंपिंग में अगर आप लैंड करते हो, लैंडिंग शुड बी लाइक दिस, ओके, लैंडिंग शुड बी टोस फिर हील, ना कि ढम. अगर आप हार्ड लैंडिंग करते हो या फिर ऑकवर्ड लैंडिंग करते हो अपने हील पे तो भैया इंजरी होगी, दैट इज द थिंग. बाकी एक्लीस टेंडन पे स्वेलिंग हो पीछे की तरफ, दैट इज वन थिंग. जो बरसा होता है वहां पर वो हील के ऊपर सूज सकता है, दैट इज ऑल्सो वन इशू. बोन्स पर हो सकता है हील के अंदर, वो एक्सरे में दिखेगा कि हड्डी थोड़ी सी बाहर आ रही है, बोन्स पर का मतलब होता है जैसे सींग निकल रही है आपके हील पे, दैट इज पॉसिबल, दैट इज देयर, दैट दैट कैन हैपन. एक्सरे निकाल के देख सकते हो, आप यू देख सकते हो. और देन देयर कैन बी जस्ट स्वेलिंग, स्वेलिंग इन द थिक बैंड ऑफ द प्लांटर फेशाइटिस जिसको बोलते हैं, जो क्या है, आपके फुट के नीचे एक बैंड है टिश्यूज का, फाइबरस थिक बैंड है, वो सूज जाए तो प्लांटर फेशाइटिस बोलते हैं, उससे भी पैर में खड़े होकर दर्द होता है और एक्चुअली फिर हील में फ्रैक्चर हो सकता है, चोट लग सकती है. सो ये सारे कारणों से आपको हील पेन हो सकता है. अगर आपको इनमें से कोई भी कारण से हील पेन हो रहा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताता हूँ, ज़्यादातर अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो आपके हील का फैट पैड भी पतला हो जाता है, फैट पैड होता है हील में वो बहुत पतला हो जाता है, योर हील, योर बोन्स इन द हील आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, उसके वजह से भी पेन होता है. इफ़ यू आर वेरी वेरी ओबेस, मोटे बहुत ज़्यादा हो तो केवल भार से आपके हील पे इतना प्रेशर आ रहा है कि वहाँ पर प्रेशर से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. सोचो अगर कहीं एरिया में प्रेशर है तो वहाँ का इतने एरिया का तो ब्लड सप्लाई बंद हो गया ना जितने देर खड़े हो. सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट एरिया विल नॉट गेट प्रेशर फॉर हाफ अ डे और वट एवर आवर्स, सो उसकी जो ग्रोथ है वो एज कम्पेयर टू अदर एरियाज कम हो गई. खा पी रहे हो सब कुछ ग्रो हो रहा है, वो नहीं ग्रो हो रहा, सो कंपनसेटेडली वो दर्द करने लगेगा वहाँ पे. कई बार इश्चिमिया टाइप्स इंजरी हो सकती है, वो सख्त हो सकता है, हार्ड हो सकता है, क्रैक्स हो सकते हैं हील, ड्राई हील्स कैन ऑल्सो पेन, क्रैक्स हील के अंदर जो आ जाते हैं दे कैन ऑल्सो पेन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपनी सिचुएशन को समझो कि मेरे सामने क्या आ रहा है, आपके सामने क्या सिचुएशन है और उसका क्या क्या कारण हो, समटाइम्स एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, प्लांटर फेशाइटिस भी है, बोन वीकनेस भी है, फैट पैड भी कम है, सम अदर थिंग्स आर इंजरी भी है, सो देर कैन बी मल्टीपल, इल फिटिंग शूज भी है, सो देर कैन बी मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड समथिंग अबाउट
कि अगर ऐसा कुछ है तो आप घर पे क्या कर सकते हो, हाउ टू एक्चुअली डू सम होम केयर. देखो या बेसिकली देखो, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है. डॉक्टर के पास अगर आपको पेन, कब जाना जरूरी है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका होम ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, पेन बढ़ता जा रहा है या सडनली सूजन आ रही है, लालनेस हो रहा है या फिर आप पैर को उठा नहीं पा रहे, हिला नहीं पा रहे, दैट इज़ लाइक घतरे की घंटी. घर पे क्या करोगे, हील के ऊपर सबसे अच्छा होता है अपना न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना, अपने न्यूट्रिशन को बेटर करना. नंबर दो होता है वहाँ मालिश करनी, ताकि वहाँ न्यूट्रिशन और ज़्यादा पहुँचे. मालिश अच्छे से करनी है, और उसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आप एक सिलिकॉन हील के नीचे, सिलिकॉन के या तो हील पैड्स या पूरे सोल सिलिकॉन इन सोल्स पहने, जुत्ती क्या बोलते हैं यार तुम उसको, वो पहन लो शूज़ की जगह, सैंडल्स की जगह वो पहन लो, अपना जुत्ती पहन लो जिसको शूज़ स्लिप इन शूज़ हो गए, उसके अंदर सिलिकॉन सोल्स डाल लो और फिर उसके अंदर मस्त अपना पूरा दिन घूमो फिरो. सोल्स विल बी सॉफ्ट ऑन योर हील्स एंड फैट पैड की कमी, वीक बोन्स, हार्ड कॉन्क्रीट सर्फेसेस, उसमें बहुत फ़ायदा करेगा. रनिंग शूज़ के अंदर भी आप पहन सकते हैं सिलिकॉन के सोल्स, दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटीज़, और बहुत अच्छे रहते हैं, यू कैन ट्राई इट, आई रिकमेंड इट. और ये आप घर में कर सकते हैं. बाकी कैल्शियम, वाइटामिन डी, बहुत सारा पानी. डिहाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर सच पेन्स. याद रखिए, डिहाइड्रेशन से मसल पेन होते हैं, बोन पेन होते हैं, एंड दैट विल हैपन ऑन द मोस्ट स्ट्रेस्ड एरिया ऑफ योर बॉडी. तो ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप खड़े हो रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस कैन बी देयर इन योर हील्स. सो हील पेन एंड बोन्स पर है कि नहीं, एक बार एक्सरे करा के पता चल जाएगा. बोन्स पर है, छोटा मोटू है तो फिर उसके लिए दवाई चल जाएगी, और बड़ा है तो फिर उसको काट के निकाल सकते हैं. बोन्स पर इज़ अ बोन ग्रोथ, आउट ग्रोथ. प्लांटर फेशाइटिस पे हम अलग से बात करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट हील पेन. आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू वुड शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच. दिस इज डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.